तो मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि जब इस किस्म के आपने मसाइल बयान किए तो वो सर पकड़ के बैठ गया कि मुफ्ती साहब हम पे तो इसका मतलब है 20-20 साल से कुर्बानी बन रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई नहीं पता था तो करें, तो लिहाजा अगर किसी की पिछली कुर्बानियाँ रहती थी तो, या जैसे पता था कि कुर्बानी हमने करनी है नहीं कर सके, या लाइल्मी कि हमें मसला ही पता नहीं था, ऐसे अफराद अब कुर्बानी की जगह कुर्बानी नहीं कर सकते, वो निकल गई। अब एक कुर्बानी की कीमत सदका कर दें, या तो बकरी की कीमत कर दें बकरे की, और या फिर एक कम से कम एक गाय का हिस्सा जो मोतदिल किस्म का हो। यूँ नहीं कि 4-5 हज़ार आपने खर्च कर दिए, भाई 4-5 हज़ार में 7 × 28 28 हज़ार की गाय कैसी आएगी, 7 हिस्से हो सकते हैं तो कैसी गाय आएगी। अच्छी थोड़ी सी दरमियाने दर्जे की गाय का हिसाब करें और उसको आप यानी जितने रहती हैं 10 कुर्बानियाँ हैं तो अगर आप 7 हिस्से एक गाय के और 3 हिस्से और गाय के अंदर मिला लें तो 10 हिस्से हो गए, इतनी आपको रकम सदका करनी होगी। फौरी तौर पे कर सकते हैं बेस्ट है, वरना अगर इतने पैसे नहीं हैं तो बहरहाल इस दफ़ा की कुर्बानी वाजिब है वो पहले करें, और पीछे वाली कुर्बानी के थोड़े थोड़े साल ब साल खर्च करते रहें ताकि वो आपका हिसाब किताब पूरा हो और आप आखरत की गरिफ़ से महफूज रह सकें। जब इस किस्म के मसाइल लोग सुनते हैं, चूँकि इसमें ख़र्चा होता है, तो कहते हैं ये तो हमने आज तक नहीं सुना था, पता नहीं कहाँ से मसाइल निकाल कर ले आए। तो हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम है आपको समझाना। अगर आप एक ऐसे माहौल में रहे कि जहां आपको किसी ने ये मसले नहीं बताए तो वो बताना ना बताना वो छोड़ दीजिए, हमारा काम था इन मसाइल को सीखना। अगर हम ऐसे माहौल में थे कि जहां कोई बताने वाला नहीं था, या हमने उलमा से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रखा, या हम कोई दीनी प्रोग्राम ही नहीं देखते हैं, हमारा मोबाइल रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है, हर किस्म का स्पोर्ट्स का चैनल, फिल्म का चैनल, दीगर चैनल चलते हैं, लेकिन जब दीनी चैनल आते हैं तो हम उन प्रोग्राम्स को नहीं देखते, तो इसमें किसी का कसूर नहीं। ये वो मसाइल हैं जिनका सीखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम करार दिया गया है। अगर आप नहीं सीखेंगे और लाइल्मी की वजह से कोई ऐसी कोताही हुई है तो आप काबिल गरीफ़ हैं, बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए।